दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे 2021 की मोस्ट अवेटेड मूवी सूर्यवंशी का, जो आज ही सिनेमा घरों में रिलीज हुई है। सूर्यवंशी रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स की एक एक्शन ड्रामा मूवी है, जिसके लीडिंग कास्ट में मौजूद हैं अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, जैकी श्रॉफ, जावेद जाफरी, गुलशन ग्रोवर, अभिमन्यु सिंह, राजेंद्र गुप्ता, सिकंदर खेर, निकितन धीर और कुमोद मिश्रा। इसके अलावा अजय देवगन और रणवीर सिंह भी आपको स्पेशल अपेयरेंस में नज़र आएंगे। और इस फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन पे राइटर्स हैं रोहित शेट्टी और यूनुस सेजावल। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रोहित शेट्टी ने, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं हीरू यश जौहर, अरुणा भाटिया, करण जौहर, अपूर्वा मेहता और रोहित शेट्टी। अब बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो इस फिल्म की कहानी हम उतनी ही बताएंगे जितनी इस फिल्म के ट्रेलर में दिखाई गई है, ताकि आपका फिल्म देखने का एक्सपीरियंस ख़राब ना हो। तो ये कहानी है हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहर मुंबई की, जिसने आतंकवादियों के बहुत से हमले सहे हैं, और इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक टेररिस्ट अपना अगला वार जल्दी मुंबई में करने जा रहे हैं। और इस हमले को रोकने की जिम्मेदारी दी जाती है एक जांबाज पुलिस ऑफिसर DCP वीर सूर्यवंशी यानी अक्षय कुमार को। मगर कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब इस हमले के पीछे के मास्टरमाइंड जैकी श्रॉफ की एंट्री होती है, जो बदले की आग में हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और उसे रोकना तकरीबन नामुमकिन है। अब इसके आगे फिल्म की कहानी में हमें एक प्रॉपर इंटेंस पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी देखने को मिलती है, और साथ ही साथ DCP वीर की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी हमें दिखाया जाता है। मगर देखना तो ये है कि क्या वीर सूर्यवंशी सिंगम और सिम्बा की मदद से अपने वतन को बचा पाएगा, ये जानने के लिए आप लोग ये फिल्म देख सकते हैं। अब बात करें फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट्स की, तो सबसे पहले फिल्म की डायरेक्शन पे बात करें तो रोहित शेट्टी आज के दौर के बेस्ट डायरेक्टर्स में से एक हैं, जो एक्शन मूवीज़ बनाने में महारत रखते हैं, और मेरे ख्याल से इतनी बड़ी प्रोडक्शन वैल्यू वाली मूवी के साथ सिर्फ वही इंसाफ कर सकते हैं। और मास ऑडियंस को जैसी उम्मीद थी, उन्होंने उससे भी बेहतर काम किया है। और बात करें स्क्रीन प्ले राइटिंग की, तो फिल्म को एक प्रॉपर कमर्शियल स्टाइल में बनाया गया है, और ये फिल्म मासेस को इम्प्रेस करने में बाखूबी कामयाब होती है। और फिल्म शुरू से एंड तक कहीं भी लूज नहीं पड़ती और ऑडियंस को अपने साथ बांधे रखती है। जहाँ फिल्म का फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ दोनों ही बहुत शानदार हैं और एक प्रॉपर इंगेजिंग एक्सपीरियंस देते हैं। और बात करें डायलॉग्स की, तो फिल्म के डायलॉग्स भी बहुत शानदार हैं, जहां दमदार डायलॉग बाजी इस फिल्म के लेवल को और भी ऊपर ले जाती है। और एक्शन सीक्वेंसेस की बात करें, तो फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस टॉप नॉच थे, खास तौर पर क्लाइमैक्स एक्शन सीन वाकई में देखने लायक है। फिल्म का एक्शन काफ़ी हाई स्केल पर शूट किया गया है, जो एक्शन सीक्वेंसेस का एक्सपीरियंस काफ़ी थ्रिलिंग कर देता है। और बात करें म्यूज़िक की, तो इस फिल्म का म्यूज़िक भी काफ़ी बढ़िया है, और इस फिल्म के तकरीबन सारे गाने ही काफ़ी शानदार हैं। अब बात करें एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की, तो इस फिल्म के हीरो अक्षय कुमार काफ़ी एनर्जेटिक नज़र आए और उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रेसिव रही। चाहे बात हो उनके एक्शन की या फिर डायलॉग डिलीवरी की, अक्षय कुमार ने अपने इस किरदार को बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है और अपनी दमदार एक्टिंग से इस फिल्म में धूम मचा दी है। और जैकी श्रॉफ ने भी अपनी काबिलियत का खूबसूरत नमूना हमें दिखाया और लाजवाब एक्टिंग का मुजाहरा किया। और बात करें कैटरीना कैफ की, तो कैटरीना कैफ भी हमेशा की तरह काफ़ी स्टनिंग नज़र आईं और उन्होंने भी अच्छा काम किया। इसके अलावा अजय देवगन और रणवीर सिंह भी इस फिल्म में काफ़ी इम्प्रेसिव नज़र आए, और इन दोनों की एंट्री भी काफ़ी धमाकेदार थी, जो इस फिल्म के लेवल को और भी ऊपर ले जाती है। खास तौर पे अजय देवगन की धमाकेदार एंट्री तो मास ऑडियंस को बेहद पसंद आएगी, और उनकी एक्टिंग भी काफ़ी दमदार रही। इसके अलावा फिल्म की बाकी कास्ट ने भी अपना अपना रोल बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है। ओवरऑल देखा जाए तो सूर्यवंशी एक धमाकेदार एक्शन एंटरटेनर है, जिसे रोहित शेट्टी की वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी कहना भी गलत नहीं होगा। और मैं इस मूवी को दूंगा 4.5 स्टार्स आउट ऑफ 5, और पर्सनली ये मूवी मुझे रोहित शेट्टी की बाकी फिल्मों से ज़्यादा इम्प्रेस कर गई। तो दोस्तों सूर्यवंशी मूवी मैं आप सबको रेकमेंड करूँगा, आप सब भी जल्दी से टिकट खरीदें और इस शानदार मूवी का बड़ी स्क्रीन पे मज़ा लें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।